नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये लेट नाइट वीडियो इसलिए क्योंकि अमेरिका के बाजार में बड़ा कोहराम मचा हुआ है इस समय, एंड मैंने आप सभी के साथ अराउंड 9:30 समथिंग वीडियो भी शेयर करी थी जहां मैंने आपको बताया अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स 500 पॉइंट टूट गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, केवल अमेरिका के बाजार ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट है। अब इस बीच में क्या भारतीय बाजार भी कल गिरने वाले हैं, और जितने भी ADR हमारे लिस्टेड हैं अमेरिका में उनका क्या हाल है, विप्रो, इन्फोसिस, HDFC, ICICI, एक्सिस, इन सबके बारे में तो आप सभी के साथ बात करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो आजकल फोकस में चल रहे हैं आप सभी के, लाइक आइशर मोटर, मारुति सुजुकी एंड कुछ और स्टॉक्स भी। मेटल स्टॉक्स में आज हिंदुस्तान जिंक काफी बढ़िया मूव देता हुआ दिखा, वेदांता, तो कल के लिए काफी टेंशन में आ गए हैं इस समय इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सारे के सारे। तो क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और कितनी टेंशन लेने की जरूरत है? गिफ्ट निफ्टी, जो कि पहले SGX निफ्टी था, गिफ्ट निफ्टी, अभी मैं आपके साथ उसका अपडेट भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बाजार में लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। एक्चुअली मैं 10 बजे वीडियो अपलोड करना चाहता था, बट क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अमेरिका के बाजार क्या रिकवर करते हैं, और रिकवर धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी 100 पॉइंट्स की ऑलरेडी डाउन से अगर आप देखेंगे तो रिकवरी आई है। पहले तो मैं आपको अमेरिका के मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा। डाउ जोन्स करंटली 33,875 पे है, आज का लो 771 का है, 33,771 का आज का लो है, और अभी लगभग 400 पॉइंट्स डाउन है, 414 पॉइंट्स डाउन है एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो, और 500 पॉइंट्स तक ये टूट गए। तो आप कह सकते हैं 100 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई है, तो ये रिकवरी और बढ़ेगी धीरे धीरे, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी टेंशन फ्री होने का मौका मिलेगा। बट मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, केवल अमेरिका नहीं, दुनिया भर के बाजार गिरे, और गिरावट के पीछे का जो बड़ा रीजन सामने आ रहा है, पहले तो फेड मिनट्स जो कल हुआ कि 2 बार रेट हाइक और करेगा अमेरिका, क्योंकि उनका भैया जॉब डाटा बहुत मजबूत आ रहा है। इसके बारे में पर्टिकुलर डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अब ये जॉब डाटा इन्फ्लेशन को कैसे इंपैक्ट करता है और क्या दिक्कत है इससे, वो आप जानना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इतना बोलना चाहता हूँ कि केवल फेड ही नहीं, यह प्रॉब्लम कच्चा तेल भी बनता हुआ दिखा है, जहाँ पे कच्चे तेल की कटौती का अनुमान लगाया गया है, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर कच्चे तेल का प्रोडक्शन कट करोगे आप, रशिया भी कह रहा है, अगर कट करते हो आप, तो पहली बात तो आपका प्राइस ही दिख रहा है। कच्चे तेल में कोई ऐसा कोई बड़ा जंप तो आया नहीं है क्रूड में कि हाँ भाई बहुत ही बड़ा जंप आ गया वो क्रूड में और परेशानी का कारण बने, तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है। बट हाँ, ये शॉर्ट टर्म में पैनिक जरूर क्रिएट कर रहा है, माहौल जरूर बिगाड़ रहा है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज अमेरिका के बाजार पे कल हमने रिएक्शन दे भी दिया, तो कल अमेरिका अपना रिएक्शन बदल देंगे, कल अमेरिका एट द एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है। अगर आपकी पोजीशन ट्रेडिंग की कॉल है, कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में काम करा हुआ है, तो पुट वाले तो अभी खुश हो रहे होंगे, बट उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भारतीय बाजार अपने दम में स्ट्रांग चल रहे हैं। बट जो भी है, व्हाटएवर इट इज, उसको हम साइड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल के लिए प्रॉब्लम रह सकती है, उसके बाद 2 दिन बाद आप मंडे से नॉर्मल होते हुए देखेंगे बाजार को। प्लस आप अगर ये अमेरिका या ग्लोबल मार्केट्स की टेंशन छोड़ भी देना, तब भी मैं तो कह रहा हूं कि 200 पॉइंट की रिस्क आप डेली बेस पे कैरी कर रहे हो। डेली बेस पे आप ये मान के चलो कल 200 पॉइंट टूटेगा बाजार, ये मैं आपसे कह सकता हूं। क्यों मान के चलो यार, आपने नीचे से 18,900 से वन साइडेड तेजी 19,500 की देखी है, तो 600 पॉइंट्स की तेजी में क्या 200 पॉइंट बाजार करेक्ट नहीं हो सकता? अभी आपको डराने के लिए डराने के लिए अमेरिका के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये सही भी हो, तब भी मैं तो कह रहा हूँ कि 200 पॉइंट की करेक्शन किसी भी वक्त हो सकती है, किसी भी वक्त, वन साइडेड भागे हो आप, तो वो एक ट्रिगर है ही रहे और रहेगा। अभी मैं आपके साथ क्लियर कट शेयर कर देता हूं। अब आ जाते हैं स्टॉक्स के बारे में बात करने पे। मैं आपको अगर शेयर्स के बारे में बात करूं तो खबरों वाले शेयर्स की पहले बात बताना चाहूंगा। आज पीरामल एंटरप्राइज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स न्यू वर्ल्ड फंड ने एंड स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने एग्जिट कर दिया है कंपनी से बाय सेलिंग 34.62 लाख इक्विटी शेयर्स। एरिस लाइफ साइंसेस, HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं लगभग 13.5 लाख शेयर्स, और भी बहुत सारा डाटा है, पूरा नहीं बता पाऊंगा, टाइम ज्यादा चले जाएगा वीडियो में। सेट इंडस्ट्रीज, यूरोप बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सोसाइटी जनरल ने लगभग 16 लाख शेयर, और आप कह सकते हैं 1.42% स्टेक खरीदा है 85 के भाव पर। तो ये कुछ ब्लॉक डील्स थी। कल के लिए इन्वेस्टर मीट है कृष्णा डायग्नोस्टिक का एंड बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज BKT टायर्स का। अब देखिए, सीएट का शेयर आज 20% भागा है अपने इन्वेस्टर मीट के बाद, तो BKT टायर भी मुझे लगता है नजर में रखना चाहिए। कल इन्वेस्टर मीट है, लेट्स सी मंडे को क्या रिएक्शन आता है। स्टॉक इन न्यूज की बात करें तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का शेयर कल डेब्यू करने वाला है ऑन 7 जुलाई।
शोभा के बारे में खबर है, टाइटन एंड डाबर एंड जेके सीमेंट की सब्सिडरी से रिलेटेड कुछ खबर है। तो ये सारे स्टॉक है जो कल न्यूज बेस एक्शन में रह सकते हैं। FIA DIs के फ्लो की बात करें तो FIAs 2641 करोड़ का खरीद के गए हैं, तो बड़ा लेके गए हैं। बट DIs की बात करें तो उन्होंने 2350 करोड़ की बिकवाली कर दी है कैश मार्केट में। और आपके साथ अब मैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स और अपडेट देना चाहूंगा। पहले तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, और बाजार में 200 पॉइंट की करेक्शन किसी भी वक्त हो सकती है बिना बताए, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि अभी रिकवरी आ रही है तो ये बहुत अच्छा फील करा रही है। आपके साथ फिटसी की बात, सॉरी मैं केवल अमेरिका के बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट्स डाउन है, नेस्डेक इंडेक्स अभी 1% से कम नीचे है, शुरुआत में 1.5% टूट गया था। और अच्छी बात, रसल 2000 2% नीचे, S&P 500 1%, विक्स देखिए आप अमेरिका का 10% भाग गया, तो ये फियर फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा ADR के बारे में भी शेयर करना चाहूंगा। अपना गिफ्ट निफ्टी केवल 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है, जो बीच में अभी 90-92 पॉइंट हो गया था, अब 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा और कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ देने वाला काम है। अगर ADR की बात करें ना, तो वहां भी अपनी जलवा है। एक्सिस का ADR 0.7% अप है, HDFC बैंक का ADR ऑलमोस्ट 1% डाउन है, और ICICI बैंक का ADR भी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। इन्फोसिस का ADR 0.25% नीचे, और विप्रो की बात करें तो फ्लैट है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि खबरों में थे, और आपके साथ ADR के बारे में शेयर करा, अमेरिका के बाजार और कल के लिए कैसा हाल, मार्केट का हाल रह सकता है। आपको ज्यादा घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौका जरूर देगा बाजार आपको आराम से निकलने का, तो वहां पे आप चाहें तो निकल सकते हैं, डर है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।